नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय तस्वीरें आपको जम्मू के रेहाड़ी इलाके से बता रही हूं, जहां पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी यहां मौजूद हैं और जिन लोगों ने अपने घरों से बाहर रोड पर एक्स्ट्रा नाम बनाई है, 6 फुट से ज्यादा जगह है, उन एरिया को डिमोलिश किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। इस समय आप तस्वीरें जो हैं वो सीधी लाइव देख रहे हैं जम्मू से। जीएमसी के जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनके ओर से जो है वो मेजर किया जा रहा है। अगर कोई भी एरिया जो है वो ज्यादा देखा जाता है तो उसे यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है। लगातार जीएमसी की ओर से स्मार्ट सिटी को लेकर ये ड्राइव चलाई जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा था कि गांधीनगर, गोल मार्केट, अप्सरा नगर, अप्सरा रोड जो है, उन सब जगहों पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से इस तरह से डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही थी और अधिकारी वहां पर एरियाज को मेजर कर एक्स्ट्रा एरियाज को जो है वो डिमोलिश कर रहे थे। और सेम इस तरह की आज जो है वो जम्मू में भी, जम्मू के रेहाड़ी इलाके से तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। एक्स्ट्रा रामस का जितना भी एरिया आता है उन सभी को डिमोलिश किया जाता है। इससे पहले भी पीछे से ही ये कार्रवाई जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से की ओर से की जा रही है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो है वो रोड्स को इन्हांस करना है, रोड्स की रेनोवेशन करनी होती है और उसे अच्छे तरीके से इन्हांस करना होता है, जिस चीज़ को लेकर लोगों ने जो रोड का एरिया कवर किया होता है, अपने रोड की एरियाज पर अपने रैंप्स बनाए होते हैं, फुटपाथ बनाए होते हैं, उस चीज़ को लेकर ये कार्रवाई की जाती है। इससे पहले जो है वो एरिया को मेजर किया जाता है और एरिया को मेजर करने के बाद एक्स्ट्रा एरिया को ही डिमोलिश किया जाता है। ये ड्राइव जो है वो पिछले 1-1.5 घंटे से चल रही है और इससे पहले भी पीछे का जितना भी एरिया है जो रोड पर फॉल करता है, जिनके रैंप से 6 फुट से ज़्यादा बाहर रहते हैं, उन सभी एरियाज को डिमोलिश कर दिया गया है। अभी पूरी कार्रवाई जो है वो इस इलाके पर भी की जाएगी। जुड़े हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में ये कहा है कि रेशम नगर जाकर देखो, इवन लोअर रेशम घर सबने इलीगल काम किया है। इस चीज़ को देखते हुए जो जितने भी इलीगल इंक्रोचर्स हैं, जिन सभी ने एरियाज को इंक्रोच किया है, उन सब चीज़ को लेकर एक डेटा तैयार किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पर एरिया वाइज जो है वो ये डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाती है, जितने भी इंक्रोचर्स हैं वो सभी के लिए ये एक स्पेशल डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी अपने पूरे तरीके से अपनी पुष्टि करके एक रिकॉर्ड बना रहे हैं और एक एक करके इन सभी एरियाज में जो है वो एक एक करके सभी एरियाज में इसी तरह की कार्रवाई जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से की जाएगी। ये लाइव तस्वीरें जो हैं बिल्कुल सरवाल हॉस्पिटल के पास से देख रहे हैं। बिल्कुल सरवाल हॉस्पिटल के बैक साइड का थोड़ा एरिया पड़ता है। जब भी कभी ये डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाती है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से या जेडीए की ओर से ड्राइव चलाई जाती है, जहाँ पर लोग इसका समर्थन करते हैं वहीं कुछ लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं और अलग अलग बातें जो हैं वो रखते हैं।
फिलहाल ये अधिकारी जो है वो यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मौजूद है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये जो ड्राइव चलाई जा रही है ये आज प्रोसीजर कहाँ से कहाँ तक का रहेगा और कहाँ से कहाँ तक का जो है वो आज इस समय होगा। ये जितने भी लोगों ने अपने एरिया से बाहर का सामान रखा है, पीछे आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगी, इन सबका सामान को भी जो है वो लेके जाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को जो है वो ये बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाता है इस चीज़ को लेकर। तो ये अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरे एरियाज में इसी तरह से डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है। जितने भी इंक्रोचर्स रहते हैं, चाहे किसी ने इलीगल मकान बनाए हैं या रोड के एरिया पर उनके घर का रैंप जो है वो फॉल करता है, उसको भी डिमोलिश किया जा रहा है। ऐसी सेम प्रोसीजर्स जो हैं वो आपने नेशनल हाईवे के भी देखे थे, जो छन्नी का एरिया पड़ता है वहाँ पर भी इसी तरह से कार्रवाई की गई थी। और अब इस समय जो है वो सरवार हॉस्पिटल के बाहर हूँ मैं बिल्कुल, और वहाँ की तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की कोशिश जो है वो मैं कर रही हूँ। और इस तरह से जो स्टेप उठाए जाते हैं, जो कार्रवाई की जाती है, जिन लोगों ने इस तरह से एरियाज को इनक्रोच किया होता है, लोग इस चीज़ को लेकर कई बार बोलते हैं ये कार्रवाई जो की जा रही है वो गलत है, पहले इस चीज़ को लेकर इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो लोग अपनी अलग अलग टिप्पणियाँ जो है वो इस चीज़ को लेकर भी करते ही रहते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो है वो अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आज जो ये डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, ये आज प्रोसीजर कहाँ से लेकर कहाँ तक के एरियाज का रहेगा? ये मेन बेसिकली सरवाल में काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ पर शाम को बड़ी कंजेशन हो जाती है, ट्रैफिक जाम भी हो जाते हैं, पेडेस्ट्रियन को चलने का रास्ता भी नहीं है। तो मेन अभी हम मेन रोड पर ही कर रहे हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा लग रहा है कि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसी को हम रिमूव कर रहे हैं। ये जो प्रोसीजर किया जा रहा है ये आज सिर्फ रैंप्स को लेकर ही किया जाएगा? किसको मैं? ये जो रैंप्स है, फुटपाथ जो है, जहाँ जी मैम बिल्कुल। कुछ लोग जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनका ये कहना है कि अगर हम रेशमगढ़ की या लोअर रेशमगढ़ की बात करें, वहाँ पर भी बहुत तरह से इलीगल लोगों ने एनक्रोचमेंट की है। वहाँ पर भी होगा मैम, हर जगह करते हैं हम, एक दिन सभी जगह तो होता नहीं है, तो धीरे धीरे सारे एरिया कवर करते हैं, आपने देखा हमेशा। जी, जैसे हमारे दर्शक ने एक सवाल पूछा था कि लोअर रेशमगढ़ की बात करें वहाँ पर भी बहुत लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट की है, तो हमने अधिकारी से बातचीत की, उनका ये कहना था कि वहाँ पर भी जो है वो ज़रूर इस चीज़ को लेकर कार्रवाई की जाएगी। जितने भी लोग इलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं उन सभी को एक ही नज़रिए से देखा जाता है, उन सभी के साथ एक ही तरह का सलूक किया जाता है। तो इस समय तस्वीरें जो है मैं आपको सरवाल बिल्कुल हॉस्पिटल की बाहर के दिखा रही हूँ, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ के अधिकारी मौजूद हैं, जैसे भी जो है वो उनकी ओर से यहाँ पर आई गई है। अभी फिलहाल एक एरिया से निकलकर दूसरे एरियाज में यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव की जाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि लोगों ने काफ़ी बार यहाँ पर कंसल्ट किया है, लोगों ने बहुत बार ही कहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत लग जाता है, जिस चीज़ को देखते हुए ये कार्रवाई करना यहाँ पर ज़रूरी समझी। काफ़ी बिजी एरिया यहाँ पे रहता है, आप लोग जानते भी हैं, कुछ मेटाडोर्स वगैरह व्हीकल्स जो हैं वो भी यहाँ से निकलनी होती है, हॉस्पिटल एरिया है जहाँ पर लोगों ने आना जाना होता है, उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ देखने को मिलता था। और लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से के अधिकारी जो हैं उनसे इस बारे में बातचीत की, और उनका ये कहना है, ये लोगों की मांग थी कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई इस तरह से डिमोलिशन ड्राइव की जाए, जिन लोगों के एक्स्ट्रा रैंप्स बाहर आए हैं और रैंप्स को जो है वो डिमोलिश किया जाए। ऐसे जितने भी एरियाज रहेंगे जिनकी ओर से इस तरह से इंक्रोचमेंट की गई है या जिस वजह से आम लोगों को परेशानी आती है, उस चीज़ को देखते हुए अधिकारी की ओर से ज़रूर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। Thank you.
तो ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। तो आप लोग जो हैं वो आए दिन इस तरह से जो प्रोसीजर चलाए जाते हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से या जेडी की ओर से इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है, आप भी लगातार इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं। फिलहाल अधिकारी से बात करने की हमने यहाँ पर कोशिश की जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो उनका ये कहना कि हमने लोगों की एक डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा किया है, जिसके बाद आज इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। जितने भी लोगों के रैम्प एक्स्ट्रा रोड पर हैं, जिनके भी रैम्प ज़्यादा बाहर हैं, उन्हें डिमोलिश कर दिया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स यहाँ से निकलते हैं, ट्रैफिक जाम ज़्यादा लंबा ना हो जिस वजह से लोगों को परेशानी ना आए। तो इस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से यहाँ पर आज कार्रवाई की जा रही है। सरवाल एरिया की मैं आपको तस्वीरें दिखा दी थी, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाघो एक्सप्रेस।